हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड। देखिए, आपको मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक स्ट्रेटेजी होती है, उसके अकॉर्डिंग काम करोगे तो अच्छे खासे आपको पैसे बनते हुए नजर आएंगे। तो मैंने अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 ऐसे स्टॉक्स बताए थे जो कि अच्छे खासे आपको गेन दे सकते हैं। इनमें से काफी सारे स्टॉक भागे और 6 स्टॉक ऐसे बताए थे जो जिनमें आप ब्लाइंड फोल्डेड इन्वेस्ट कर सकते हो। 4 स्टॉक अलग से बताए थे। तो ऐसे स्टॉक्स से रिलेटेड हम बातें करते रहते हैं, तो आज 2 स्टॉक्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ जहां पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है और अच्छे खासे पैसे आप कमा सकते हैं। तो देखिए, अगर बात करें 4 वीक पहले, अगर 31 मई को, जो कि एक महीना भी नहीं हुआ है, उसकी बात करें तो एक शेयर से रिलेटेड बातें करी थी, यूफ्लेक्स। उस टाइम उसका प्राइस कितना था? उस टाइम उसका प्राइस था 433 रुपए के आसपास। और बात करें तो मैंने आपको बताया बिग अपॉर्चुनिटी टू गेन 74% रिटर्न, मतलब 34% रिटर्न के लिए मैंने आपको बताया था, जिनमें से एक महीने के अंदर अंदर 35% के गेन मिल चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं अभी शेयर चल रहा है कितना, 572 रुपीज पे। तो मतलब आधा तो गेन मिल गया, थोड़ा सा और वेट करोगे तो आपको वो 75% का गेन आपको पूरा मिलता हुआ नजर आएगा, जो कि यहाँ पर बताए गए थे। तो यहाँ पर किस बेस पे यहाँ पर स्टडी की जाती है, किस बेस पे यहाँ पर बताया जाता है, तो यहाँ पर अगर बात करें, ये टेक्निकल्स थे ना, ये टेक्निकल्स बोल रहे थे, ये टेक्निकल्स चिल्ला चिल्ला रहे थे, चीख चीख रहे थे कि मैं भागूंगा। यहाँ पर देखिए रिवर्स हेड एंड शोल्डर की पर बनता हुआ नजर आ रहा था और शेयर भागता हुआ नजर आ रहा था। तो ऐसी स्टडी करके आप पैसा अच्छे खासा कमा सकते हैं और केवल आपको सीखने की जरूरत है। तो सीखने के लिए हम आपको यहाँ पर बताते ही है, यहाँ पर प्लेलिस्ट बना रखी है, इन प्लेलिस्ट को जाके गो थ्रू करिए। ओके, इनमें एक एक शेयर से रिलेटेड आपको नई नई बातें पता चलेंगी, किस तरीके से यहाँ पर शेयर पर चूज किए जाते हैं। बाकी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं ताकि लंबी वीडियो ना हो और दो शेयर से रिलेटेड बातें करते हैं। बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। तो 2 स्टॉक्स आपके लिए चुने गए हैं, तो ऐसे स्टॉक्स जो आपको अच्छा खासा गेन दे सकते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, टेक्निकल्स क्या कहते हैं, उसके बेस पे यहाँ पर बताए बातें हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें, पहला स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, एज वेल एज बात करें दिग्गज शेयरों में इसका नाम आता है और मार्केट कैपिटल अच्छी खासी है, लार्ज कैप यहाँ पर बैंक नजर आता है। आरओसी 6.65% का है, जो कि ऑब्वियसली बात है एनबीएफसी का यहाँ पर रहता ही है। बट इस बार के रिजल्ट थोड़े से फीके आते हुए नजर आए थे, बट अगर बात करें कंसिस्टेंसी, तो कंपनी कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस कर दे रही है, अच्छे खासे रिवेन्यू है, और अगर बात करें अच्छा खासा यहाँ पर नेट प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कंपनी का हो रहा है और कंपनी काफी बेहतरीन यहाँ पर नजर आती है, इसी को याद रखिए। और बात करें यहाँ पर ईयरली बेसिस, तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, 4601 करोड़ रुपए की सेल्स यहाँ पर 33000 करोड़ की सेल्स में तब्दील हो चुकी है। नेट प्रॉफिट अच्छा खासा है, 9000 करोड़ का, 10000 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है। रिजर्व अच्छे खासे है, बोरिंग तो यहाँ पर बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली बात है इनका काम ही बोरिंग का है। यहाँ पर बात करें कैश एक्टिविटी, यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर पैसा इनके पास कैश में रखा हुआ है और यहाँ पर 26% की शेयर प्रमोटर है, एफआईएस के पास 44% के, डीआईएस के पास 13% के, और पब्लिक के पास बात करें तो पब्लिक के पास यहाँ पर अगर 3-4% घटा दिया जाए तो 12% की हिस्सेदारी लगभग रहती है, बाकी सारी हिस्सेदारी अगर बात करें अच्छे खासे हाथों में है इनकी, कोटक महिंद्रा बैंक की। तो अगर बात की जाए, एक जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग कर लीजिए या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, ये शेयर अच्छा खासा शेयर है। ओके, और अगर बात की जाए यहाँ पर शेयर से रिलेटेड, तो यहाँ पर मैं आपको हमेशा बताता हूँ, हमेशा हर एक वीडियो में बताता हूँ कि कोई भी शेयर जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, तो कोटक महिंद्रा बैंक फंडामेंटली स्ट्रांग है नंबर वन, और कोई भी शेयर 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा हो, तो यहाँ पर अगर बात करें ये 200 डीएमए की लाइन है, यहाँ पर जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, और यहाँ पर शेयर 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, और जब इस तरीके से शेयर कोई भी ट्रेड कर रहा हो ना, और आरएसआई भी जहाँ फेवरेबल हो 35-34 के आसपास, 30 के आसपास, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी बनती है शेयर को खरीदने की। बार बार अगर यहाँ पर देखे तो इसी लेवल पर इसने रेजिस्टेंस लिया है, अगर यहाँ पर देखोगे आप तो बार बार इसी लेवल पर रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है, पहले यहाँ लिया, फिर यहाँ लिया, फिर यहाँ लिया, एक बार यहाँ लिया, फिर एक बार यहाँ पर लिया, एक बार यहाँ पर भी नीचे आके फिर ऊपर चला गया। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पहली बात ये हो गई कि 200 डीएमए के आसपास है, दूसरा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हो गया, तीसरी बात करें तो ये शेयर बहुत अच्छा करेक्ट अपने ऑल टाइम हाई से हो चुका है। कितना करेक्ट हो चुका है, अगर हम ऑल टाइम हाई को यहाँ पर गिन लें तो लगभग 21-22% के आसपास ये शेयर करेक्ट हो चुका है। तो जब यहाँ पर सारी चीजें आपके फेवर में हो ना, तो ऐसे
शेयर में कहते हैं ना, जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए, तो वही है, ये लोहा गर्म है, यहाँ पर आपको हथौड़ा मारने की जरूरत है। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, पहली बात अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को खुद की स्टडी करके करना है, बट जो स्टडी है उसके बेस पर बता रहा हूँ कि ऐसे दो शेयर में आपको बता रहा हूँ जो अभी फेवरेबल है बाइंग की अपॉर्चुनिटी के साथ, कि आपको आप यहाँ से ले लोगे तो आपके ये शेयर के नीचे जाने की गुंजाइश बहुत कम है, ना के बराबर है, बट ऊपर जाने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर इस शेयर की तरफ आप जा सकते हो। बाकी इस शेयर में चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, बट इतने कुछ खास चार्ट पैटर्न नहीं बन रहे। अगर हम बात करें तो एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर अगर हम सॉरी अगर हम यहाँ पर देख ले तो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बन रहा है, ये यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये कप, एक छोटा सा कप बन रहा है, और उसके बाद यहाँ पर हैंडल, यहाँ पर हैंडल बन सकता है, या फिर एक चीज हो सकती है इस शेयर में जो मुझे लग रही है, ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर बनाता हुआ फ्यूचर में नजर आएगा। यहाँ पर अगर बात करें, ये इसका एक शोल्डर हो गया है, ओके, और यहाँ पर इसका एक हेड बनता हुआ नजर आ रहा है, और फिर दोबारा एक और शोल्डर बनाता हुआ ये नजर आ सकता है। पहले ये बट हेड बनाएगा, तो हेड बनाने के लिए इसे ऊपर जाना है, तो यहाँ तक तो शेयर को जाना ही जाना है, तो जो कि 21-22% के रिटर्न बनते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रख के आप यहाँ पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो पहला शेयर ये हो गया। दूसरे शेयर की बात कर लेते हैं, तो दूसरा शेयर जो कि आज ही न्यूज में है, मेरे पास ऑलरेडी पहले से शेयर है, और अगर बात करें इसके जो इसमें जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, किस किस ने कर रखी है, विजय केडिया सर ने। विजय केडिया का आपको नाम पता ही है, 35,000 करोड़ रुपीज से आज 1,000 करोड़ रुपीज के यहाँ पर पैसे इनके पास है। तो यहाँ पर देखिए विजय कृष्ण लाल केडिया 1.18% की इसकी हिस्सेदारी है, और यहाँ पर अगर बात करें केडिया सिक्योरिटीज, यहाँ पर 4.18 की हिस्सेदारी है। अगर यहाँ पर FIs की बात करें 21% है, DIs की बात करें 71% है, और पब्लिक की बात करें 71 है, बट 71 में भी यहाँ पर देखिए 18% के आसपास इनकी है, 10% के आसपास इनकी है। यहाँ पर अगर बात करें 28% हो गया, यहाँ पर 3% ले लिया 31 हो गया, 2% ले लिया 33-34 हो गया, और यहाँ पर लगभग लगभग अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर लोगों के पास है, और अच्छी खासी होल्डिंग ही यहाँ पर अच्छे अच्छे HNIs के पास है। और आज जो न्यूज आई थी कि 3 करोड़ रुपीज सॉरी यहाँ पर अगर बात करें गांव को जोड़ा जाएगा, रूरल एरिया को जोड़ा जाएगा, और मोडम से रिलेटेड जो भी काम करता है, तो ये कंपनी क्या कंपनी है, ये कंपनी का काम ही यही है। तेजस नेटवर्क इज अ ऑप्टिकल एंड डेटा नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स कंपनी दैट डिजाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चरिंग हाई परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर रेडी प्रोडक्ट्स फॉर बिल्ड हाई स्पीड नेटवर्किंग कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट कैरी वॉइस डेटा एंड वीडियो ट्रांसफर ट्रैफिकिंग फ्रॉम फिक्स्ड लाइन, मतलब ब्रॉडबैंड बनाती हुई कंपनी नजर आती है, इस चीज को याद रखिएगा। जब ब्रॉडबैंड 19,000 करोड़ रुपीज यहाँ पर सरकार यहाँ पर PLI स्कीम देती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पर अगर बात करें इस शेयर को फायदा होगा। और आज की डेट की अगर बात करें, ये शेयर ने अपर सर्किट लगाया है, मार्केट कैप अच्छा खासा है, 1600 मतलब स्मॉल कैप कंपनी है, डेट ना के बराबर है 2%, और अगर बात करें यहाँ पर कंपनी की, तो यहाँ पर कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से काफी गिरी है। सेल्स की बात करें अच्छी खासी यहाँ पर सेल्स है, हाईएस्ट एवर तो नहीं कहेंगे, बट यहाँ पर अगर बात करें 2019 से तो अच्छा हाईएस्ट एवर ही यहाँ पर सेल्स धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है के साथ। रिजर्व्स अगर बात करें नेट प्रॉफिट, वो भी नेगेटिव से सीधे पॉजिटिव की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कंपनी ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। सेल्स की बात करें 201 करोड़ की सेल्स यहाँ पर 527 करोड़ की सेल्स में तब्दील हो चुकी है, 900 थी, फिर 2020 में थोड़ा प्रॉब्लम आई, यहाँ पेंडेमिक आया, फिर धीरे से दोबारा चलना शुरू कर दिया है, और ये शेयर अब भागते हुए नजर आएंगे। इस बात का 93 करोड़ का नेगेटिव यहाँ पर नेट प्रॉफिट था, आज की डेट में 38 करोड़ के प्रॉफिट में कंपनी बैठी हुई है। इस चीज को याद रखिए, यहाँ पर डेट कम कर दिया, 22 करोड़ का ही डेट है, रिजर्व्स अच्छे खासे 1,000 करोड़ रुपीज के आसपास, और फिक्स एसेट यहाँ पर कंपनी वर्क इन प्रोग्रेस में काम करती हुई नजर आ रही है, मतलब खर्च करती हुई नजर आ रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैश की बात करें, 218 करोड़ का कैश है, ट्रेड रिसीवेबल अच्छा खासा है, पॉजिटिव कैश फ्लो है। अगर बात करें और भी चीजों की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न हमने डिस्कस कर ही लिया। अब इसके बात कर लेते हैं थोड़े से यहाँ पर चार्ट पैटर्न की, तो न्यूज तो ऑलरेडी आपको पता ही होगी, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, मैंने आज बताई भी है 19,000 करोड़ रुपीज गवर्नमेंट PLI स्कीम के थ्रू उन चीजों को देना चाहेंगे जो गांव को ब्रॉडबैंड से या फिर बात की जाए नेट से यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए चार्ट पैटर्न तो बन ही रहा है, नो डाउट यहाँ पर चार्ट पैटर्न बन रहा है, बट अगर बात करें ये शेयर, तो ये शेयर अच्छा खासा करेक्ट भी हो चुका है, थोड़ा सा हम यहाँ पर इसे नीचे ले आते हैं। ऑल टाइम हाई की बात करें, तो ऑल टाइम हाई यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो शेयर का ऑल टाइम हाई यहाँ पर है, लगभग लगभग अगर यहाँ पर देखें, ये शेयर अच्छा खासा करेक्ट होता हुआ नजर आया है, ओके, और अगर हम बात करते हैं ये शेयर अभी कितना करेक्ट हो चुका है, लगभग 28% अपने ऑल टाइम हाई से, जो ऑल टाइम हाई तो नहीं, 52 वीक हाई जो अभी रिसेंटली इसने बनाया था जो फरवरी में, उससे करेक्ट हो चुका है,
पहली बात। और जब भी ऐसे शेयर 30% कलेक्ट हो, ऐसे शेयर को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए। दूसरी बात, 50 DMA के आसपास आके ये बार बार सपोर्ट लेता है, तो यहाँ पर भी सपोर्ट लेके ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। ये हो गई इसकी दूसरी बात। और अगर तीसरी बात की बात करें, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम अच्छे खासे आने शुरू हो गए हैं। और अगर यहाँ पर चार्ट पैटर्न की बात करें, अच्छा खासा यहाँ पर चार्ट पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ से ले लीजिए या फिर इस पॉइंट से ले लीजिए, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा गिरा हुआ है। यहाँ पर कप फिर हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक ये सॉरी 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 एक मिनट। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर कप बना इनका, और कप बनने के बाद यहाँ पर एक एक बार यहाँ पर हैंडल और दोबारा से यहाँ पर जाके रिवर्स हेड। अगर बात करें कॉम्प्लेक्स हेड, यहाँ पर बात कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न, या फिर यहाँ पर रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया है। तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर, बट अगर ओवरऑल बात करें दोनों में कुछ खास अंतर होता नहीं है। तो अगर फिर भी बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो टारगेट नजर आ रहा है इसके हिसाब से, तो यहाँ पर अच्छा खासा टारगेट हमें नजर आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं और इसे उठा के यहाँ पर रख देते हैं, तो इसका जो टारगेट नजर आ रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 388 रुपए के आसपास का टारगेट नजर आ रहा है, जो कि काफी बेहतरीन यहाँ पर टारगेट नजर आ रहा है। सूनर और लेटर यहाँ पर जब इस तरीके की PLI स्कीम गवर्नमेंट सारा सपोर्ट कर रही है और कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करना शुरू कर दिया, नेगेटिव से पॉजिटिव यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट देने शुरू कर दिया, तो 111% का यहाँ पर गेन भी नजर आ रहा है, और जो कि इसके ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास है। अगर बात करें हम 1.5 साल के अंदर अंदर ये यहाँ पर अचीव करता हुआ नजर आएगा, बट थोड़ा सा आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। यहाँ पर मुझे जो लगा, मैं ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्टेड हूँ, और यहाँ पर देखिए बार बार ये कंपनी यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रही है। नीचे जाने के चांसेस ना के बराबर है, ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि 30% ऑलरेडी अपने 52-week हाई से करेक्टेड है, और ऑल टाइम हाई से तो यहाँ पर अच्छा खासा करेक्ट है, और अच्छे खासे यहाँ पर नंबर आने शुरू हो गए। तो कंपनी दोबारा अगर बात करें यहाँ तक जाने में समर्थ है, क्योंकि 2017 की अगर बात कर लेते हैं, तो 2017 में यहाँ पर देखिए तो सेल्स 875 करोड़ थी, अभी थोड़ी कम है, धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ेगी, तो 1-2 साल में शायद यहाँ पर, इसलिए मैंने 1.5 साल का ही टाइम लिया, यहाँ पर 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर यहाँ पर कंपनी इस तकदब तक पहुंचती हुई नजर आएगी। बाकी आप वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।